हेलो दोस्तों, नमस्ते। राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर आपके लिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एक यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट फ्रेश नोट जारी किया है। तो ये कब जारी किया था आप यहाँ पर देख सकते हो। लेटेस्ट खबर है आप सभी के लिए 21/10/2021 को। इसके अंदर क्या जानकारी दे रखी है पूरी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और साथ में दोस्तों आपको इसका रिजल्ट कब तक आएगा, साथ में फिजिकल की जो डेट है वो कब जारी हो जाएगी, ये संपूर्ण जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं। अगर आप भी कर रहे हो राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी एग्जाम की तैयारी, तो अनअकैडमी पर विकास नाम से आपके लिए 23 अक्टूबर 2021 से पूरा कंप्लीट कोर्स यहां पर 2.5 महीने के लिए चल रहा है। दोस्तों, इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर प्रत्येक विषय के स्पेशलिस्ट जो एजुकेटर है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। साथ में आपको नोट्स, वीकली क्विज, डाउट क्लियरिंग सेशन, अनलिमिटेड स्टडी मटेरियल, ये सारी सुविधा आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो इसके लिए दोस्तों आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, उसमें आप मेरे कोड यूज कर सकते हो स्टडी विद MK70 का, ताकि फीस के अंदर आपको 10% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल सके। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अभी जाकर अपनी तैयारी जारी रखें और अपना सिलेक्शन यहां पर सुनिश्चित करें। दोस्तों, अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो दोस्तों यहां पर आपको जो है काफी सारे बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मंथ का सब्सक्रिप्शन यहां पर मिलता है। थैंक यू। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो, पढ़ते हैं पूरी जानकारी को। आयोग द्वारा उपनिरीक्षक प्लाटून कमांडर गृह विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2021 की परीक्षा आप सभी को पता है दोस्तों 13/9 से लेकर 15/9 तक यहाँ पर आयोजित करवाई गई थी। उसके बाद जो है कुल 6 प्रश्न पत्रों की जो मॉडल उत्तर कुंजी हैं वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी 11/10/2021 को, ठीक है ना। और उसके साथ दोस्तों यहाँ पर 12/10/2021 से लेकर 14/10/2021 को रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आपत्तियाँ जो है आमंत्रित की गई थी आप सभी को पता है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अभ्यर्थियों द्वारा शिकायतों के अनुसार 14/10/2021 को वेबसाइट पर ज़्यादा लोड होने के कारण SSO ID पर जो है विद्यार्थी अपनी आपत्तियाँ यहाँ पर दर्ज नहीं करा पाए थे। तो उसके बाद जो है आयोग ने यहाँ पर एक और मौका दिया है, इसमें देख सकते हो आपत्तियाँ आयोग की ओर से वेबसाइट पर मॉडल प्रश्न पत्र के अनुसार यहाँ पर प्रविष्ट करें, और उक्त परीक्षा के सभी मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और जिन्होंने उस समय आपत्तियां नहीं लगाई थी वो यहाँ पर आपत्तियां लगा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर वही सेम प्रोसेस रखी गई है, लेकिन यहाँ पर डेट आप देख सकते हो 24/10 से लेकर 25/10 तक आप जो है रात्रि 12 बजे तक यहाँ पर जो है अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हो किसी भी प्रश्न पत्र को लेकर। और मैं कहता हूँ दोस्तों, अगर आपको डाउट है तो आप जरूर यहाँ पर जो है ऑब्जेक्शन लगाइए, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का है और आपको भी यहाँ पर फायदा हो सकता है, क्योंकि RPSC में कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो संदेह के घेरे में हैं। तो आप जरूर यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराइएगा दोस्तों, और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हो दोस्तों ऑनलाइन आपत्ति से संबंधित कठिनाई होने पर, ठीक है। तो आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात दे रखी है, जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आपत्तियां दर्ज करा दी हैं उनको वापस दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है, आप दूसरे प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज करवा सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो महत्वपूर्ण जानकारी संगीता जी जैन ने यहाँ पर जो है जारी की है, परीक्षा नियंत्रक है। और रिजल्ट की बात की जाए तो दोस्तों इसी मंथ के अंदर आपका रिजल्ट जारी हो सकता है, और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि 20 से 25 दिन का आपको समय मिलेगा फिजिकल के लिए, और कट ऑफ के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिनके दोनों पेपर क्लियर हैं उनकी संभावना रहेगी फिजिकल के लिए, ठीक है। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही पटवार का एग्जाम खत्म होगा सबसे पहले आपको यहाँ पर पूरा पेपर हल करवाया जाएगा दोस्तों आंसर के साथ में, तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।